क्रिसमस का समय था और चारों तरफ बर्फ गिर रही थी। स्टॉलिंग परिवार का घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और क्लारा, जो घर में सबसे छोटी थी, दरवाजे की ओर बड़ी ही खुशी से दौड़ी और दरवाजा खोला। अंकल ड्रॉसलमेयर अपने साथ खूब सारे तोहफे लेकर आए थे। जब क्लारा ने अपने चहीते अंकल को इतने सारे तोहफों के साथ देखा तो वो बहुत खुश हुई। क्लारा आधी रात तक अपने तोहफे का इंतजार नहीं कर सकती थी, उसे वो तोहफा तुरंत ही चाहिए था। अंकल ड्रॉसलमेयर क्लारा को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे तोहफा दिया। बहुत ही उत्सुकता से क्लारा ने अपना तोहफा खोला। ये बाकी तोहफों के मुकाबले सबसे अलग और दिलचस्प था। उसके अंकल का तोहफा एक मजेदार चेहरे वाला नटक्रैकर था, जिसकी लाल नाक और पतली मूंछें थी। क्लारा को ऐसा खिलौना पहले कभी नहीं मिला था। ये नटक्रैकर खिलौना उसे बहुत पसंद आया। वो उस खिलौने को लेकर खुशी से झूमने लगी। क्लारा के नटखट भाई फ्रिट्स को मिला था एक चूहा राजा, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने उसे फेंक दिया। उसे क्लारा का नटक्रैकर ज्यादा पसंद था, इसलिए वो उसे क्लारा से लेने की कोशिश करने लगा। ये मुझे चाहिए। नहीं फ्रिट्स, ये मेरा है। इस बीच फ्रिट्स ने क्लारा के हाथ से नटक्रैकर छीन लिया और भागने लगा। हे फ्रिट्स, मुझे मेरा खिलौना वापस कर दो। तुम जाकर अपने खिलौनों से खेलो। मुझे वो चूहा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये नटक्रैकर मेरा है। जब क्लारा नटक्रैकर को लेने गई, तब उसने देखा उस नटक्रैकर का एक हाथ टूटकर जमीन पर पड़ा था और वो बहुत ही उदास हो गई और फिर रोने लगी। आधी रात गुजर चुकी थी और क्लारा बहुत थक गई थी, तो वो सो गई। वो नटक्रैकर के बारे में सोचने लगी। मुझे उम्मीद है अंकल नटक्रैकर को ठीक कर देंगे। अचानक क्लारा बिस्तर से कूदकर उठ गई और बाहर जाकर उसने देखा कि नटक्रैकर बिल्कुल सही सलामत क्रिसमस ट्री के पास पड़ा हुआ था। क्लारा बहुत खुशी से झूम उठी और सुकून से वापस हो गई। कुछ देर बाद क्लारा को कुछ मजेदार आवाजें सुनाई दी और धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। उसे लगा वो सपना देख रही है और इसलिए वो फिर से सो गई। वो इस बात से अनजान थी कि हो क्या रहा है। वो आवाजें फिर से आने लगी, जैसे कि चारों ओर चूहे आवाज कर रहे हों। क्लारा ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और सब कुछ अलग था। सब कुछ विशाल लग रहा था, क्रिसमस का पेड़, कुर्सी, सब कुछ। क्लारा पूरी तरह से जाग गई। उसी वक्त उसे एक एहसास हुआ कि सारी चीजें बड़ी नहीं हो रही, बल्कि वो सिकुड़ रही थी। उसने देखा कि चूहों का राजा अपनी सेना के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। क्लारा काफी डर गई और वो भागना चाहती थी, पर उन विशाल चूहों ने उसे रोक लिया। उन्होंने क्लारा को घेर लिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसी वक्त नटक्रैकर भी वहां आ गया। वो जीवित था। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो क्लारा? हम उस पेड़ पर चढ़कर यहाँ से भाग सकते हैं। क्लारा और नटक्रैकर पेड़ पर चढ़ गए और पहली मंजिल पर पहुंच गए। हम भागकर कहाँ जाएंगे? ये तुम्हारा घर है और तुम्हें ही पता होगा कोई ऐसी जगह के बारे में जहाँ चूहे तुम्हें नहीं ढूंढ सकते। क्लारा भाग रही थी और नटक्रैकर भी कहीं गायब हो गया। चूहे घर के चारों ओर फैल गए और वो क्लारा को ढूंढ रहे थे। तभी नटक्रैकर एक खिलौने की अलमारी के पास पहुँचा। उसने देखा कि काफी सारे छोटे सैनिक वहाँ बैठे हुए हैं। ए दोस्तों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
मेरी दोस्त क्लारा मुसीबत में है। चूहों का राजा अपनी सेना के साथ उसे पकड़ने आ रहा है। अचानक वहाँ सारे सैनिक जीवित हो गए और उसके पीछे आ गए। जब नटक्रैकर कमरे से बाहर गया तो उसने देखा कि चूहों ने सारा घर उथर पुथर कर दिया है। नटक्रैकर और उसके साथियों ने अपने हथियार निकाले और चूहों के राजा और उसकी सेना से लड़ने लगे। सैनिकों से ज्यादा चूहे मौजूद थे, काफी सैनिक घायल भी हो गए थे। नटक्रैकर की हालत खराब थी, उसे भी काफी चोटें आई। क्लारा जहाँ छुपी हुई थी वहां से बाहर आ गई। उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए, पर वो इतनी छोटी थी कि उसे लगा कि उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन है। चूहों का राजा नटक्रैकर के पास गया और उसने अपनी तलवार नटक्रैकर के चेहरे की तरफ बढ़ाई। क्लारा चिल्लाई और नीचे गिरे उस हथियार को उसने चूहों के राजा की तरफ फेंका। वो उस राजा के सर पर लगा। चूहों का राजा बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अपने राजा को जमीन पर पड़ा देख बाकी चूहे जान गए थे कि वे ये जंग हार चुके हैं। वो सारे चूहे अपने राजा को साथ लेकर घर के बाहर चले गए। क्लारा नटक्रैकर के पास दौड़कर पहुंची। वो बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ था। क्लारा अपने घुटनों पर बैठ गई और रोने लगी। अचानक एक परी क्लारा के पीछे प्रकट हुई। उसने नीले कपड़े पहने हुए थे। परी क्लारा को रोते हुए देख नहीं पा रही थी और इसलिए उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और ठीक उसी वक्त नटक्रैकर एक सुंदर वजीर में तब्दील हो गया। क्लारा को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने पाया कि वो दोनों एक सुंदर मिठाइयों से बने एक अद्भुत देश में आ गए हैं। वहां परियां हवा में झूम रही थीं। वहां मिठाई के बने पेड़ थे, जेली बीन के फूल, गुलाबी तितलियां और चॉकलेट की नदियां थीं। वो तो खुशी से झूम उठी और उस वजीर के साथ नाचने लगी। थोड़ा चलने पर क्लारा को एक सुंदर रंगीन महल दिखा। नटक्रैकर उसे उस स्ट्रॉबेरी परी के महल में ले गया। स्वागत है नटक्रैकर, हमें आप पे गर्व है कि आप विजय प्राप्त कर यहाँ पहुंचे हैं। रानी परी, ये मैं अपनी दोस्त क्लारा की मदद के बिना नहीं कर पाता। स्वागत है क्लारा, आपको अपनी बहादुरी का इनाम जरूर मिलेगा। स्ट्रॉबेरी परी ने उन दोनों को सोने का मुकुट पहनाया। दरबारियों ने उन्हें कई प्रकार की मिठाइयां उपहार के रूप में दी। क्लारा ने सभी मिठाइयां चखी। नटक्रैकर ने क्लारा का खूब शुक्रिया अदा किया। फिर उसने जानना चाहा कि नटक्रैकर एक सुंदर सिपाही में कैसे तब्दील हो गया। क्लारा, बहुत समय पहले मैंने एक राजकुमारी को एक श्राप से मुक्त कराया था जो दुष्ट राजा चूहे ने उसे दिया था। उस सुंदर राजकुमारी की शक्ल बहुत भयानक हो गई थी। सिर्फ एक ही चीज उसे उस श्राप से मुक्त करा सकती थी, जंगल का सबसे सख्त अखरोट। लेकिन राजकुमारी अखरोट को तोड़ ही नहीं पाई। मैं उनके दरबार में वजीर था और मैंने उनकी मदद की और अखरोट को तोड़कर उन्हें खाने के लिए दिया। लेकिन वो श्राप मुझ पे आ गया और मैं अजीब दिखने वाला नटक्रैकर बन गया। और राजकुमारी ने फिर मेरी भयानक शक्ल देखकर मुझे राज्य से निकाल दिया। बिल्कुल, और क्लारा, आपने अपनी दयालुता से नटक्रैकर को मुक्त कर दिया है। फिर अचानक कुछ आवाज आई। क्लारा, क्लारा, चलो उठो भी। क्लारा की माँ ने उसे नींद से जगाया, फिर देखा कि नटक्रैकर उसकी गोद में था। क्लारा इधर उधर देखने लगी, वो बहुत बौखलाई हुई सी थी। फिर थोड़ी देर बाद वो हंसने लगी। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद नटक्रैकर क्लारा का सबसे पसंदीदा खिलौना बन गया।
हूँ।